अखिलेश यादव ने दिया मायावती को झटका, निकाय चुनाव में इस मुस्लिम नेता को बनाया उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने VSP को निकाय चुनाव के दौरान फिर एक बार तगड़ा झटका दिया है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के बीच BSP को फिर एक तगड़ा झटका दिया है। अखिलेश यादव ने BSP के टिकट पर चेयरमैन रहे नेता को इस बार सपा का टिकट दिया है। सपा ने दो बार चेयरमैन रहे नेता को मऊ नगर पालिका से अपना उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने अरशद जमाल को मऊ नगर पालिका से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दरअसल अरशद जमाल पहले भी दो बार चेयरमैन रह चुके हैं और वर्तमान में भी चेयरमैन है। अरशद जमाल वर्तमान में BSP के टिकट पर चेयरमैन है। हालांकि इससे पहले सोमवार को भी सपा ने विरोधी पार्टी BSP को झटका दिया था। तब ग्रेटर नोएडा से BSP के वरिष्ठ नेता और दादरी नगर पालिका चेयरमैन पद के प्रत्याशी रहे अयूब मलिक ने लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में पार्टी ज्वाइन की थी। उन्होंने अखिलेश यादव के समक्ष सपा ज्वाइन की थी। इस दौरान सपा के कई और नेता भी मौजूद रहे। सपा में शामिल होने के बाद दादरी नगर पालिका चेयरमैन पद के लिए उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया था। अगर देखा जाए तो बीते दिनों में सपा ने दूसरी बार BSP के दो मुस्लिम चेहरों को पार्टी में शामिल कराया है। हालांकि निकाय चुनाव के दौरान कुछ सपा नेता भी BSP में शामिल हुए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में दो चरणों में निकाय चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में पहले चरण का नामांकन 17 अप्रैल को खत्म हो गया है। अब मंगलवार से राज्य में दूसरे चरण का नामांकन शुरू हो गया है। दूसरे चरण के अंतर्गत 24 अप्रैल तक नामांकन होगा। इसके बाद पहले चरण के लिए 4 मई और दूसरे चरण के अंतर्गत 11 मई को वोटिंग होगी।